हमने दरबार गए, पिताजी को प्रणाम पत्र किए, पिताजी का कहना हुआ इंदर सिंह रे दिल्ली करके राजा ने पृथ्वी चौहान वो क्रिकेट का बाजी रखा है क्या, और साथ साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है, जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे उसे 9 लाख का मेडल अवश्य इनाम देंगे। इधर जो आए हैं गेंद सीखने के लिए, क्रिकेट सीखने के लिए, अकेले नहीं नहीं, संग में मेरा छोटा भाई अमरजीत सिंह भी है। अच्छा, तो अमरजीत भी है। हाँ, तो तुम आए हो गेंद सीखने के लिए ताकि हम सीख करके तैयार हो जाएंगे तो दिल्ली घर जाकर के मेडल उठा करके मोहब्बत किला ले आए। हाँ, बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छा बात। इंदल से, अरे तुम अभी नादान हो, बच्चा हो, ना समझ हो, अरे कम से कम तुम जो अभी उस मेडल के चक्कर में पड़े हो तुम अपने राज के बारे में सोचो। राज के बारे में? हाँ, राज के बारे में हम क्या सोचेंगे, राज के बारे में सोचो ना। अभी मेरा पिताजी वर्तमान है ये मोहब्बत किला में, मेरा चाचा जी बाबू रुद्र सिंह है ये वर्तमान, हमको राज पर से क्या मतलब है। इंदल से, सबसे पहले तुम्हें पता हो कि ये जो राज सिंहासन, सोने का राज सिंहासन जो मोहब्बत किला में रखा हुआ है, जिस पर बैठ करके तुम्हारे पिताजी राजगद्दी को संभाला हुआ है, वो राज सिंहासन किसका दिया हुआ है? यार राज सिंहासन मेरा चाचा जी रुद्र सिंह का दिया हुआ है। सुन ललिए, सुन ललिए ने कहावत में कहल के भाई भैयारी भैंसा के सिंह, जख नहीं जन्मल तख नहीं भी। इसका मतलब, अरे इसका मतलब अभी तुम्हारे पिता और तुम्हारे चाचा में मिलती है, दोनों में मेल है, तो रुद्र सिंह ने कावनो किला को लूटपाट करके सोने का सिंहासन बना दिया है, जिस पर तुम्हारे पिता आला सिंह को बैठा दिया है। हाँ, अगर हो सकता है थोड़ा सा डिफेंस हो जाए कोई बात नहीं, अगर राज सिंहासन छीन लेगा तब तुम क्या करोगे? यह बात कभी नहीं हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता है। इंदर सिंह, अरे हम जानते हैं अगर किसी के साथ किसी को अगर दुश्मनी रहता है तो बीच में आकर के दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, और दोस्ती का हाथ जब बढ़ाता है तो दोनों के समझ में आता है कि दुश्मनी सोल हो गया, नहीं फिर पीछे का दुश्मनी शाद। तो दादा आपका कहना क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि अभी तुम इस राज को आधा आधी बंटवारा करवा लो। कैसे होगा? अभी जब बंटवारा हो जाएगा तो जो सोने का सिंहासन है उसमें भी तुम्हारा आधा हिस्सा होगा। तो दादाजी होगा कैसे? हम बताते हैं, तुम दोनों भाई चले जाओ बगीचा में गेंद खेलो, और तुम इधर से फेंकना, अमरजीत सिंह कैच करेगा, और अमरजीत सिंह फेंकेगा तुम उसे कैच करना, अमरजीत सिंह फेंकेगा सीधा गेंद तुम उसको उल्टा सीधा फेंक देंगे, और जैसे अमरजीत के हाथ से गेंद गिर गया उस हरमजादे को जमीन पर बजार करके इतना मार मारना कि उसका गोरा बदन को काला कर देना, और उसके साथ धमकी दे करके भेज देना, अमरजीत तुम यहां से चले जाओ, तुम अपने माँ और पिता से बोल दो जा करके कि 24 घंटा के अंदर में इस राज को आधा आधी बंटवारा करने के लिए, अगर 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे पिता अगर इस राज को बंटवारा नहीं किया तो अगर हम बगीचा से दरबार चले जाएंगे तो तुम्हारे पिता का सर काट करके सिंह दरबार में। दादाजी, ओ भी है बाबू रुद्र सिंह का बेटा अमर सिंह। हाँ, मैं भी अमर पति आला सिंह का बेटा हूँ इंदर सिंह। बात सही, जितना उतना है उसका उतना मेरा भी है, एकदम सच। अगर साले हमसे एनसीजी किया, अगर गलती पकड़ा गया, इतना पिटाई करेंगे वो ले नहीं सकता। ठीक ठीक ठीक, मैं कह रहा था बहुत सुन, यहाँ दादा माहिर सिंह का चाल ऐसा ही होता था, क्योंकि मुझे दर्द है इस बात का कि हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ कर रुद्र सिंह ने गंगा घाट में फेंक दिया। जब तक हम रुद्र सिंह से बदला नहीं लेंगे तब तक हम सुख और चैन का नींद नहीं सो सकते, इसलिए मुझे चौथी चाल चलना पड़ेगा। अभी तो हम इंदल सिंह को उल्टा सीधा पढ़ाए हैं, और इससे भी गर्म लोहा है अमरजीत कुमार,
अब हम अमरजीत को बुलाते हैं और उसको भी सिखा देंगे, उसके बाद देखिए किस तरह की झगड़ा कैसे होता है। हेलो हेलो बाबू है रे सुन ले अमरजीत पोता रे अमरजीत सिंह दादाजी। अरे अब तो तुम जवान हो गए, क्यों नहीं दादाजी खोआ बनाई खाते थे, जवान नहीं होंगे। बात सही है, अरे राजा महाराजा का बेटा, बात सही है, खोआ मलीदा खाते हो तो इसलिए तुम फूट करके जवान हो गए। अच्छा बोलिए दादाजी। अमरजीत सिंह, अरे सबसे पहले तुम मुझे महबा किला की समाचार बताओ। महबा किला की समाचार दादाजी, आपके दुआ से हमारे भापा के समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या करेंगे दादाजी, भैया तनिक दम दो ना माइक में। आ बोलो दादाजी, आप भी उड़ियल के समाचार बताइए। उड़ियल किले का समाचार बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये बगीचा के बीच आ रहे हैं अमरजीत सिंह, बोलिए। अरे तुम इस बगीचा में क्या कर रहे? बगीचा में क्या आपको मालूम नहीं है दादाजी? आपको मालूम कैसे होगा, हमारे पिताजी के बाहों में ताकत है, पीर भाई बलवान हत्या के बाद खूंखार है, तो 51 किला में छत्तीसों से लड़ाई देते हैं। बात सही, आगे चल के अगर पता थक जाएगा इस महाबक किला में देगा तो हमारा कौन चलाएगा, कोई तो है नहीं। तो हमारे पिताजी और हमारे पिताजी दोनों मिल करके दोनों भाई का ऑर्डर दिया है गेंद खेलने के लिए कि बेटा जाकर के गेंद खेलो, अगर गेंद खेलते खेलते मदर में मस्ती आ जाएगा तो वो दिल्ली करके राजा महाराजा ने 2 लाख का मेडल रखा हो वो जीत करके राजभवन में हासिल कर। शाबाश अमरजीत सिंह। दादाजी क्या तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ और कोई है? दादाजी दोनों भाई है, दोनों भाई। हाँ अमरजीत सिंह, अरे तुमसे पहले हमको इंदल सिंह मिला, बड़े भाई इसी बगीचा में। और इंदल सिंह बोल रहा था कि दादाजी हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी दोनों भाई को ऑर्डर दिया है गेंद सीखने के लिए। अच्छा, अगर कहीं गेंद में थोड़ा सा भी गड़बड़ी करे अमरजीत सिंह, चाहे उसके हाथ से गेंद कहीं छूट जाए, हरमजादे को बहुत मार मारे। कौन बोला है? इंदल सिंह बोला है, इंदल भाई बोला है। दादाजी इसीलिए कहते चुगलखोर है, सही बात बोलते हैं दादाजी। पागल हो गए हम, पागल है कि आप पागल है? अरे हम सब कह रहे हैं दादाजी, पल कल खोल के सुन लीजिए, जो कि दोनों भाई एक थाली में भोजन करते हैं और एक बिछावन पर दोनों भाई सोते हैं, वो भाई हमको पिटाई करेगा, यह तो समझ के कमी थी। अरे बेहुदा, अगर किसी को दुश्मनी रहता है ना, हाँ, तो दोस्ती का हाथ बढ़ा करके पीछे वाले दुश्मनी साथ कर लेता है। अगर सही सवाल बोल के गया है भैया इंदल सिंह, तो सिर्फ अपना बेटा लगा के कसम खाइए। अच्छा कसम खाने तो विश्वास हो। अमरजीत सिंह, अगर तुम्हारे सामने इस बगीचा में हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए, अगर इंदल सिंह के मन में ऐसा बात नहीं होगा तो जो नगरा भी चल है। अरे हम तुमसे एक बात पूछते हैं। क्या बात? जिस राज गद्दी पर अभी आल्हा सिंह बैठा है इंदल का पिताजी, वो राज गद्दी तुम जानते हो किसका? किसका है? अरे बहुदा तुम्हारे पिता का राज गद्दी। हमारे पिताजी का राज गद्दी? हाँ, तो राज गद्दी देखते बड़े पिताजी चला रहे हैं। वही तो समझ की कमी है, रेनु एकरे नाम छिए गुरबक के धान होशियार के जल खे। तो दादाजी अगर भैया ने बोल के गया है तो आपके सामने मैं भी बोल रहा हूँ, वो भी आला सिंह का बेटा
तो मैं भी बाबा रुद्र सिंह का बेटा। अगर बाजी बहेदा अगर गेंद मेल से जी किया मारते बिजली कोरा से कोरा बदल को काला कर देगा। ठीक ठीक बहुत अच्छा, लेकिन तुमको संभाल करके गेंद खेलना होगा। ठीक है खेलेंगे। ठीक है अच्छा एकदम संभाल के खेलना, लेकिन एक बात सुन लो। क्या बात? अगर फिर अगर तुमको जरूरत पड़े हमारा तुम मुझे याद करना, हम तुम फौरन हाजिर हो जाएंगे। ठीक है दादाजी आ जाइएगा। ठीक है लेकिन थोड़ा चिंता करने के बाद जैसे एकदम डांट से खेलना। ठीक है ठीक है। हे रे तब महाराजा दया बकिला और तब भैया बाबा की आस तब महाराजा दया बकिला हक बताए हम छोरा आ गई हम भैया मंदिर मंदिर को जाना हां ना दहिया में मिले राम मंदिर मंदिर को जाना है गंगा लो तू हर हर भैया या बगिया से गंगा भाई लो जय जोर बैना लो तू या दरबार से साहब बहुत टाइम लग गया है। पिताजी और चाचा जी इंतजार करते होंगे तब मेरा बेटा आएगा। लेट तो आप कर रहे भैया, लेकिन बहादुर हम जैसे तुम्हें गेंद देंगे हाँ। तो सही सलाम से पकड़ रहा साइज खेलेंगे, गलती तो ना होगा ना गलत करेंगे। चल शुरू कर दो। ठीक है भैया। तुमको पहले ने चेतावनी दिया जैसे मैं तुम्हें गेंद दे रहा हूँ सही तरह में से पकड़ना। तुम छोटा क्यों गेंद? इसमें मेरा गलती नहीं है। किसका गलती है? आपका गलती है। नहीं तुम्हारा गलती है, मैंने सीधा दिया तुम गेंद पकड़ नहीं पाया। सुनिए भैया क्या आपको मैंने साइड से गेंद देते हैं आप बेसाइड गेंद फेंकते हैं हम कैसे रोकेंगे? अरे बेहूदा कह दिया मैंने सीधा दिया तुम नहीं पकड़ा। एक बार तुम्हें माफ कर दिया दोबारा माफ कर देंगे तीसरा चांस भगवान भी माफ नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरा गलत है। हाँ ठीक है। दूला रहा रे सुना ले या मारा जी बाबू हे का
ज्ञान नहीं है। मेरे बदन में हाथ नहीं लगा सकते हो। तुम साला सावधान रहो, एक बार गलत किया तो माफ किया, दोबारा चांस गलत हो गया। इसमें मेरा क्या गलती है? तुम्हारा गलती है, आपका गलती है। अरे साला तुमको गांग दिया, क्यों ना मारा? आपको मेरे साथ से देता पैसा। तुमको जो मैं कहता हूँ, दोबारा चांस माफ कर दिया, तीसरा चांस है। अब की बार गैंग छूटा, साले इतना मार मारेंगे दम तोड़ेंगे। बाबू हे भेला हो गलतिया भैया जी अमर जी का जान, भेला हो गलतिया हो भैया जी भैया अमर जी सीधे सावधान हो जा, चला। साला तुमने सोचा था हम बहुत बलिष्ठ का बेटा है, जो भी गलती करेंगे मेरा बड़ा भाई माफ कर देंगे। कान का पर्दा खोल करके सुन लो अमरजीत सिंह, इसी टाइम इसी वक्त सीधे चले जाओ अपने माँ और पिताजी के पास, और माँ और पिताजी को बोल देना 24 घंटे के अंदर या मामा के लोगों राज जो है आधा भी बंटवारा करने के लिए। अगर साला तुम्हारा पिता या राज को आधा भी बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारे पिताजी को सर छोप करके सिंदरे में टांग लेंगे। चले जा बोल देना हे रे तावा महाराजा हदा या
हाँ। जब दोनों भाई ने गेंद खेलना चालू किया, अच्छा जब ने इधर से गेंद फेंका तो भाई साहब ने पकड़ लिया। अगर भैया ने उधर से गेंद फेंका दादाजी हम नहीं पकड़ पाए, क्या तुम नहीं पकड़ पाए? नहीं नहीं पकड़ पाया, तो नहीं पकड़ पाया क्या? उस पर भैया ने जमीन पर मुझे लेटा करके बहुत सा बिजली कोड़ा चलाया। बताओ कत्ते भारी जुल्म के बाद शेने गेंद छूट गले, इन नादान छे उसियां छे, बताओ गेंद छूट गले ते कारण छोरा का मार कर तोर से पे बाप रे बाप रे बाप छोरा का दूध अलग दादाजी पिता क्यों तो किया, इसलिए मुझे कोई गम नहीं है। और करो बाप, बड़े भाई बड़े हैं हम छोटे हैं तो छोटे रहे। अच्छा अच्छा बात तो ठीक है, मगर भैया इंद्र सिंह बोल के गया कि अमरजीत सिंह इसी टाइम इसी वक्त तू अपने घर के चले जाओ, तू अपनी माँ को कहना, तू अपने पिता को कहना, हमारे पिताजी से राज बंटवारा करने के लिए। ये अगर तुम्हारा पिताजी हमारे पिताजी से राज बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारा पिताजी को सरकार के सिर के दरबार में बाप रे बाप, ओहो अरे बाप रे बाप, एकाग्रति के जोत आए गुगले छे हप्पा आए गुगले छे, बताओ शन गेंद छूट गेले तै कारण छोरा का मार ले हे मार लग कोनो बात, लेकिन ई बात तोरा केना कहल गेल जे तुम अपने पिता को जा बोल दो जा करके कि 24 घंटा के अंदर में राज को आधा आधी बंटवारा करने के लिए, या नहीं तो तुम्हारे पिता का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। दादाजी अमरजीत सिंह जा रहे अपनी माँ के पास। अरे सुन, अगर इंद्र सिंह के मन में ऐसा बात है कि हम राज को बंटवारा करेंगे तो उसको राज बंटवारा कर करके दिखा देंगे। कैसे करेंगे दादाजी? हम है ना, तुम्हारा दादा मर नहीं है गया, अरे तुम यहाँ से चले जाओ तुम अपने माँ के पास और सारी कहानी कह करके तुम अपने माँ को सुना दे, और ये कहानी सुनने के बाद तुम्हारे माँ बोलेगी कि बेटा चलो थोड़ा सा भोजन कर ले। अरे तुमको खाना नहीं, तुमको बोलना है कि माँ जब तक राज बंटवारा नहीं होगा तब तक ना मैं अन्न खाऊंगा ना मैं जल पीऊंगा, मुझे नहीं सोना है नहीं जगना है ना, सुन जब तक राज नहीं बंटवारा है नहीं तोरा खेनाई छो, हमें जो सिखबै छो सीख ली, बोलिए नहीं खेनाई छो नहीं पीनाई छो नहीं सुतनाई छो नहीं जागनाई छो नहीं हगनाई छो नहीं मुतनाई छो, सब सब कुछ बंद कर बचेगा कैसे हो? चलिए दादाजी सब कुछ बंद कर देंगे। अगर इससे भी नहीं माने तुम अपने माँ को बोलना कि अगर माँ राज बंटवारा नहीं करोगी तो हम रेल में कट करके मर जाएंगे, जहर खा करके मर जाएंगे, किसी नदी किसी तालाब में जा करके डूब करके हम मर जाएंगे। ठीक है दादाजी जा रहे, अगर इंदर के मन में ऐसा बात है तो राज को बंटवारा करके छोड़े। ठीक है ठीक है चलो। बाप रे बाप छोड़ा एकाग्रति के जो यहाँ से कहे बच्चा से शासन देना चाहिए, लेकिन एगो बात और एकरा त दू चार पड़ा लागले त कत्ते दर्द छे देह में, सोचने वाली बात, इसको दो चार कोरा लगा है तो देखो कितना दर्द है। हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके इसी का पिता रुदल सिंह गंगा घाट में फेंक दिया, क्यों ने उन्हें हमरा बुढ़िया के फैक्ट्री और खुलल हसन है क्या देखो मुझे चैन दुनिया, लेकिन हम दुश्मन को नहीं छोड़े, चाहे इसके लिए जो कुछ करना पड़े, एक एक करके ब्याज ब्याज जोड़ करके उससे हम बदला वसूल लेंगे। अभी क्या हुआ है? अरे माही सिंह से पंगा लेना इतना आसान नहीं है, कुछ देर के बाद आप लोग देखिए हम उसको बन का गीदर नहीं बना देंगे तो मेरा नाम माही मार तो लगा है अमरजीत सिंह से, मार लगा है अमरजीत सिंह को, अब हम चलते हैं परी दुल्हन के पास, उसको उल्टा सीधा पढ़ेंगे कि अमरजीत ने इंदल का पिटाई किया है, तब देखो क्या होता है। अगर सीधी उंगली घी नहीं निकलता है उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है अब घी निकलता है, बस सही है अब देखो। हे रे बाबा महाराजा नंद केला चाले माही लया बाबा महाराजा ये नंद के लाल
समाचार तो बता। मेरी मवा किला की समाचार, ये तिलाठी वाले समाज की कृपा से, शिव गुरु की दया से, मां सरोवाली की ओर से बहुत अच्छी तरह से चल रही है। क्या कोई दिक्कत? कोई चीज की कमी, कोई चीज की दिक्कत आ रही नहीं। जय हो बाबा भोलेनाथ। आज ना शब्द ना हमरा पुतों के राज हन हन दन दन करत रही। आप अपने उरियल के बारे में बोलिए। उरियल किला की समाचार बहुत बढ़िया है, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या? इससे पहले जब उरियल से चलते थे तो मेरे दरबार में पधारते थे, जहाँ पे आपका बड़ा भागिन बैठ कर राज करता है, और दोनों मामा भागिन में बैठ कर बता विचार करते थे। जो बातचीत चलती थी सारी वातावरण को सुन के अपने उरियल को रिटर्न हो जाते। ठीक 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 ठीक। लेकिन आज क्या दिक्कतदारी, कौन सी मुसीबत, क्या आफत आपके सर पर आया है? आपने बड़ी पुतू की दरबार में दाखिल हुई दुल्हन। बात ठीक दुल्हन, हमको इस दरबार में मोहब्बत की नाराज में हमको अभी 6 घंटा गुजर रहा है। हम सबसे पहले आला सिंह के पास गए और उसके सामने जाकर के दोनों मामा भगना ने बातचीत किया। बैठ करके बातचीत करते करते मुझे मन नहीं लगा, इसलिए कि हम जब इससे पहले आते थे तो हमारे सामने इंदल सिंह और दौड़ करके जाता था कि दादाजी मुझे बिस्कुट दीजिए, मुझे चॉकलेट दीजिए। आज जब 6 घंटा गुजर गया तो हमने सोचे कि हो सकता है कहीं पोता इंदल महल में सोया होगा। हम जाते हैं बड़ी दुल्हन को बोलेंगे कि पोता को जगा देगा, हम उससे मुलाकात करके फिर लौट लौट।
अच्छा तो बड़े पोता के लिए चॉकलेट बिस्कुट वगैरह लेके आए। हाँ बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं आप। बाप रे बाप, क्यों नहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं।